भारत की महत्वाकांक्षी सिवोक रांगपो ब्रॉडगेज रेल लाइन का काम 50% पूरा हो चुका है। यह प्रोजेक्ट सिक्किम को देश के बाकी रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। पश्चिम बंगाल के सिवोक से सिक्किम के रांगपो के बीच बनाई जा रही इस रेल लाइन की लंबाई 44.96 किलोमीटर है। इनमें से 41 किलोमीटर रेल लाइन पश्चिम बंगाल में और बाकी की करीब 3 किलोमीटर रेल लाइन सिक्किम में बनाई जा रही है। बजट में खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट हेलीपैड वाटर एयरड्रोम का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। गौरतलब है कि बजट पूर्व हुई बैठक में रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय बजट एलोकेशन में 25-30% अधिक फंड देने की मांग की थी। वित्त वर्ष 2022-23 का आम व रेलवे बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि रेलवे 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाएगा। अगले 3 सालों में इनका निर्माण होगा। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए परिवहन ढांचा विकसित करने का ऐलान किया था। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने का ऐलान भी हुआ था। इसी तरह सिवोक रांगपो ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के जल्द से जल्द चालू होने की उम्मीद है। काम में तेजी भी आई है। दोनों स्टेशनों के बीच टनल का निर्माण भी हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।